सर इस मूवी से कैसे जुड़े हैं आप? ये तो बचपन से मेरा शौक था, फिल्मों में इच्छा थी करो कुछ, तो मैंने वैसे मैं इस आर्ट लाइन से जुड़ा हूँ शुरुआती दौर से हूँ, जैसे पोएट्री लिखना, पेंटिंग करना, ऐसे कई चीज़ें मैंने की है। और अभी मैं ड्रामे में अपने जब गांव में था, पुरुलिया मेरा गांव है बंगाल में, वहाँ मैंने ड्रामे लिखे, परफॉर्म किया। एक 83 की बात है, मैंने 84 में मैंने एक महीने के लिए यहाँ से गया था मेरे गांव, वहाँ एक महीने के अंदर मैंने एक घंटे का ड्रामा लिखा, परफॉर्म कर दिया। तो मेरे अंदर ये जींस है, मेरे फादर भी थे इसी टाइप के, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम फिल्म में आई कुछ नहीं, मैंने फिल्म बनाई है, पहले फिल्म में पहला एक्सपीरियंस है, लेकिन जब फिल्में देखता था मैं तो मुझे मैं उससे सीखता था, हमेशा सीखता था फिल्मों से, जो फिल्में देख के लगता है इसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं हमेशा लर्निंग फिल्म को देखते हुए किया। और फिल्म के दौरान 3 साल तक मैंने एक भी फिल्में नहीं देखी। क्या है फ्रेडरिक, क्या है ये फिल्म? ये मैं कहूँगा कई चीज़ें इस हमारे जो इस क्या कहूँ, एक कैरेक्टर है फ्रेडरिक इस फिल्म में, जो पूरी फिल्म में रहता है। एक ओपनिंग सीन है दो बच्चों का, वहाँ से फिल्म शुरू होती है, ओपनिंग सीन से दो बच्चों की कहानी शुरू होती है, और वहाँ वो एक स्टेज पे जब एक बच्चे की डेथ होती है, उसका नाम फ्रेडरिक, फ्रेडरिक स्टार्टिंग में हम उसको तो मर जाता है हमारी फिल्म, और फिल्म अभी फ्रेडरिक से स्टार्ट होती है। जो मर गया वो क्या है, फिल्म में एक करेक्टर है जो मैंने कुछ देर पहले बताया था आपको, कि एक आई बी एजेंट है जिसके सिस्टर का किडनैप होता है मसूरी में, और वो अपनी बहन को रेस्क्यू करने के लिए अपनी वाइफ का एक प्लान बनाता है, उस प्लान के तहत वो मसूरी जाता है। वह काफ़ी इंसिडेंट्स होते हैं, फ्रेडरिक का चर्चा चल रहा है हमेशा फ्रेडरिक, और ऐसी बातें हैं मसूरी में कि फ्रेडरिक को किसी ने देखा नहीं, कोई जानता नहीं, बस एक नाम है जिसे डरते हैं। और फ्रेडरिक वाकई में अजीब करेक्टर है, वो है या नहीं है ये भी एक अजीब सी बात फिल्म में दिखाई देगी, क्या है फ्रेडरिक ये आखिर में पता चलेगा फिल्म के बाद। लेकिन एक बार दो घंटे 4 मिनट की फिल्म होगी ड्यूरेशन, मगर ओपनिंग से लेकर एंड तक आपको जकड़ के रखेगी। सर प्रशांत जी को खास लेने का मकसद, प्रशांत जी अभी तक गैंगस्टर की भूमिका करते हैं, प्रशांत जी में मुझे एक ऐसी बात, कई सालों से मैं प्रशांत जी को देखता हूँ फिल्मों में, मुझे प्रशांत जी में बहुत अच्छा एक्टर दिखता है, बहुत अच्छा, मैं खुद में सरप्राइज हूँ प्रशांत जी जैसे एक्टर। और कौन कौन है इसमें कलाकार? एक है अविनाश खारी जो गीत प्ले कर रहे हैं, और तीन कैरेक्टर काफ़ी बेहतरीन। म्यूजिक काफ़ी अच्छा है, कैची म्यूजिक है, किसने गाया है ये? देखिए इस फिल्म के 2 गाने हैं, वक्त गया थम एक सॉन्ग है जो केके ने गाया, खुदा तूने खुदा छीना मुझसे तुझसे भी गुनाह तो होता है, ये भी केके ने गाया। तेरा जिक्र खुदा का जिक्र है, ये शान और रिमी धर एक उन्होंने गाया है ये गाना। रंगीनिया सुनी हुई गाया है, हाँ एक बहुत ग्रेट सॉन्ग है वक्त गया थम, दीपाली साठे और रायन विक्टर ने गाया है। थैंक यू सर, थैंक यू। यार ओलिक सर आप देख रहे हैं मिर्ची बॉलीवुड।